Hello, hi guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So you guys, maths continue है, समझ रहे हैं? तो maths आपको समझनी है, सीखनी है, continue रखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube channel को जरूर subscribe करें, share करें, comment करें और उसके साथ साथ bell icon को जरूर press करें ताकि हर video का notification मिलता रहे आप. ठीक है guys? So आइए हम अपनी क्लास continue रखते हैं. तो आज की क्लास में समझेंगे वो क्या है. एक्सरसाइज 4.1 समझ रहे थे? तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आज की क्लास में समझेंगे. ठीक है? सो प्रॉब्लम समझने से पहले आप समझने के लिए रेडी हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाए. ठीक है गाइस? सो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है एंड देन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या कैसे फाइंड करें. ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 हुई है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन की बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड. डेरिवेटिव फाइंड करनी है, नीचे कुछ फंक्शंस गिवन है उनकी डेरिवेटिव फाइंड करने, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कह रहा है पर्टिकुलर स्टेप मेथड बता रहा है कि ये मेथड अप्लाई करें, कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड. दो नेम है, चीज एक ही है. ठीक, अब फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड है क्या, जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में समझते आ रहे हैं वही है, उसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है? सो कैसे, कौन से मेथड्स हैं, कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे. सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन स्क्वायर एक्स, साइन का स्क्वायर. अब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड. ये मेथड समझिए या फॉर्मूला समझिए, जो भी समझिए, इस वे से सॉल्व करना है. अब ये है क्या मेथड, कौन सा है, तो एज वी नो जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और एब इनिशियो मेथड जो वो है क्या, वो कौन सा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड वो ये है f dash of a. f dash means derivative of the function, जो given function है उसकी derivative is equal to limit x tends to a f of x function minus f of a function divided by x minus a function. ये एक formula, इस formula का name है f initial method or first principle. ठीक, तो derivative जो गिवन मेथड से कह रहा है, इस मेथड से सॉल्व करें, वो मेथड ये है जिसको हम कहते हैं फार्मूला. अब ये फार्मूला अप्लाई करके गिवन फंक्शन की हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे. फार्मूला में क्या गिवन है, f डैश ऑफ a मींस गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव, डैश मतलब के डेरिवेटिव, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a मींस x है जो x की वैल्यू a, आगे f ऑफ x फंक्शन है, f ऑफ फंक्शन गिवन माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन ये गिवन है. तो ये कैसे हम अवेल करते हैं, सो लिखता हूं यहां पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो वो है साइन स्क्वायर एक्स एंड सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ ए. ठीक, इक्वल टू, अब देखिए दोनों फंक्शन में गिवन फंक्शन में वेरिएबल एक्स है एंड सेकंड फंक्शन जो हमें चाहिए वहां पर वेरिएबल ए है, तो जस्ट एक्स वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ए से, बस वो कुछ भी नहीं करना, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ले आ गए, बस यही चाहिए. सेम वही फंक्शन गिवन है वो, जस्ट एक्स वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल ए. आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये एब्निशियो मेथड फार्मूला है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो फार्मूला है इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f of x की जगह पे f of function की वैल्यू दैट इज sin square x minus f of a की जगह पे sin square a divided by x minus a. तो ये जस्ट वैल्यूज आ गई. आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या एब इनिशियो मेथड में हमने यही प्रीवियस प्रॉब्लम्स में समझे हैं या समझा है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो रिमूव करना है, न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करें जो डिनोमिनेटर वाला टर्म रिमूव हो जाए एंड देन लिमिट अप्लाई करें.
ये आपको जहन बात रखनी है। तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, दोनों माइनस में दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, ठीक। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करें? तो इसके हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, अगर दो नंबर्स माइनस में है दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर है तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई पास करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में दो नंबर्स आपके पास माइनस में दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर हो अलग अलग, तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए आंखें बंद करके ये फॉर्मूला आप यूज करें, सही है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है देखें, ये लिमिट x टेंड्स टू a, अब ये हो जाएगा साइन x प्लस साइन a, पहले फर्स्ट पॉजिटिव ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड नेगेटिव ब्रैकेट में साइन x माइनस साइन a डिवाइडेड बाय x माइनस a, सही है। तो सिस्टम में जस्ट क्या किया हमने, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया है उसके हिसाब से वैल्यूज लिखी गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे सॉल्व करें? अब देखिए न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं sin x + sin a एंड sin x - sin a, इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इनको सिंपलीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, आप पढ़े होंगे वो कौन सा फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin अल्फा + sin बीटा, अगर है साइन अल्फा एंड प्लस साइन बीटा अगर आपके पास मौजूद है तो ये इक्वल होता है टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू, जो फर्स्ट ब्रैकेट साइन एक्स प्राइम प्लस साइन ए है उसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा मींस एक्स बीटा मींस ए, आर ही पास करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज होगा, means sin alpha minus sin beta है, तो sin alpha minus sin beta है, तो ये formula है 2 cos alpha plus beta divided by 2 alpha minus beta divided by 2, सही है। तो ये दोनों formulas use करेंगे n factors की जगह पे, आर इन पास में। तो यहाँ पर ये formula दो use करेंगे, दोनों formula लिखे, ये फॉर्मूला कहां से है, ये फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। अब इन फॉर्मूला के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, समझते हैं कैसे सिंपलीफाई हो रहा है। सो इनके हिसाब से मैं कह रहा हूं हियर अल्फा एंड बीटा जो फॉर्मूला में उनका मतलब क्या है, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, तो उसमें फर्स्ट एक्स है सेकंड बी है, अल्फा का मतलब एक्स एंड बीटा का मतलब ए, सही है, जो यूज करेंगे उसको। अब इन फॉर्मूला के हिसाब से पहले पॉजिटिव ब्रैकेट है तो पॉजिटिव ब्रैकेट मींस पॉजिटिव ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लिखूंगा जस्ट अल्फा की जगह पे एक्स एंड बीटा की जगह पे ए लिखा जाएगा, ठीक है। तो टू ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू साइन अल्फा प्लस बीटा मींस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय टू इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा मींस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय टू, अल्फा की जगह एक्स एंड बीटा की जगह पे लिखा है, फॉर्मूला सही है। मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा साइन, ये फॉर्मूला। तो यहां पर टू कॉस मल्टीप्लाई साइन टू कॉस अल्फा की जगह एक्स प्लस बीटा की जगह ए टू इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा मींस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय sin alpha minus beta 1 to cos alpha plus beta 1, आई बात समझ में? Just formulas replace किए हैं दोनों factor की मदद से, कौन से formula? उनका यह हवाला दिया हुआ है, clear है? Just alpha is replaced by x and beta is replaced by a, जो हमारे पास x and a angle है वो, ठीक है? समझ तुम आ रही है बात? ठीक है? अब divided by denominator में term same है, denominator में term है x minus A remains same, same चीज़ है, same बात है, ठीक है गाइस। सो अब देखें क्या हो रहा है, equal to sign same, ये limit x tends to a, limit x tends to a, अब क्या कर रहा हूं, इन टर्म्स को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं, कैसे रीअरेंज करने जा रहा हूं,
अब देखिए ये जो 2 है बीच में ये भी 2 मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट नंबर है जो कोफिशिएंट, इसको आगे लिखें sin x plus a divided by 2 into cos x minus a divided by 2 into cos x plus a divided by 2 into sin x minus a divided by 2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में ये x minus a कंप्लीट फैक्टर से डिवाइड नहीं है, चलो मैं लिखा होल डिवाइडेड बाय x minus a। ठीक, अब यहां पर अब देखिए ये 2 a सेकंड 2 ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 4 मगर मैंने सिर्फ 2 लिखा है, सेकंड 2 कहां गया, सेकंड 2 यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, जो डिवाइड में न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके साथ वो डिवाइड में चला गया, ये जो 2 पहले मौजूद था इसको नीचे x minus a के डिवाइड में लिखा, सही है, मल्टीप्लाई नंबर है नीचे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल 2x डिवाइडेड बाय 5 है फॉर एग्जांपल, तो इस सिंपली इस नंबर को हम x डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, 2 जो x से मल्टीप्लाई हुआ था वो नीचे शिफ्ट किया 5 से डिवाइड में चला गया। अब देखिए फॉर x से जो नंबर डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2 अपॉन 5 हो जाएगा, सेम वही 2x अपॉन 5 मिला, सही है, आरी पास में भी, तो मींस जो 2 न्यूमरेटर में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा नंबर के साथ, लिख सकते हैं, अगर उसको वापस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सेम वही चीज मिल रही है जो एक्चुअली है। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो जो फर्स्ट 2 था उसको डिनोमिनेटर नंबर के साथ डिवाइड में भेज दिया, क्यों भेजा है इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा, क्या है ब्रेकेज ओवर। So, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिलेगा आपको, कौन सा आंसर मिलेगा समझते हैं, जब x tends to a ये 2 sin x plus a divided by 2 into cos x minus a divided by 2 into cos x plus a divided by 2 into limit x tends to a ये sin x minus a divided by 2। ठीक, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए इस कंप्लीट तीन फैक्टर तीनों के साथ अलग किया है, sin x minus a अपॉन 2 उसके साथ अलग लिखा, क्यों लिखा है समझ लो। अब देखिए पर उससे पहले अब ये x minus a अपॉन 2 इस कंप्लीट टर्म के साथ डिवाइड में है तो एंड न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूं सिर्फ लास्ट टर्म साइन x माइनस a जो है x के साथ डिवाइड में x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है x माइनस अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय कंप्लीट न्यूमरेटर के डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से मैंने सिर्फ साइन x माइनस a अपॉन 2 इस टर्म की डिनोमिनेटर लिखा, एलिमेंट इस सिंगल इस टर्म को अलग कर दिया, सही है, आधी बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, सो रीजन ये है कि फॉर्मूला का हवाला दे रहा हूं यहां पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x है तो इक्वल टू किसके होता है, मान के फॉर्मूला है, सही है, तो ये sin फॉर्मूला sin जो एंगल x माइनस अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस अपॉन 2 है, सेम एंगल है तो वन इक्वल, मगर यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है मगर यहां पर x टेंड्स टू a है, कोई इशू नहीं है, x टेंड्स टू मींस x की जगह पे अगर a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह a माइनस a 0 0 हो रहा है, तो सेम वही बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड लिमिट अप्लाई करेंगे, सो नाउ बाय अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू a we get limit x tends to a है, apply करें क्या मिलेगा, apply करने से देखते हैं 2 sin x की जगह पे a plus a sin divided by 2 into cos x की जगह पे x tends to a है तो a minus a divided by 2 and ये cos x की जगह पे a plus a divided by 2 multiply ये complete term according to the formula
सिंपली इन तीनों टर्म्स में x की जगह पे जस्ट a लिखा है क्योंकि x टेंड्स टू a है, और बाकी ये लास्ट टर्म जिसके साथ लिमिट अलग की है डिनोमिनेटर उसके साथ अलग लिखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की एंगल है सेम वही एंगल डिवाइड में लिखी गई है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इक्वल टू 1 की होता है सो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट लिमिट अप्लाई किया, वैल्यूज लिखे हैं, अब सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करने जा रहा हूं, टू साइन ए प्लस ए, ए में ए प्लस करेंगे, टू ए डिवाइडेड बाय टू, एडिशन में कोफिशिएंट इंक्रीज होगा, इनटू कॉस ए प्लस ए माइनस में कैंसिल, जीरो डिवाइडेड बाय टू, इनटू कॉस ए प्लस ए मींस टू ए डिवाइडेड बाय टू, मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 वन सा 2 हो जाएगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आई बात समझ में आता सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, टू साइन 2 में डिवाइड हो गया, अब सिंपली a into cos 0 divided by 2 means simply 0 into cos 2 में कैंसिल हो गया, सिंपली a, ठीक है। जस्ट सिंपलीफिकेशन के बाद ये टर्म्स मिले, आप देखें इस साइड पे मैं मूव हो रहा हूं, f dash of a equal to 2 sin a सेम है, मल्टीप्लाई cos 0 तो cos 0 का आंसर होता है 1, सही है। ये छोटी वैल्यूज आपको ज़हन में होनी चाहिए, अगर ज़हन में नहीं भी है तो कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में cos 0 लिखें क्या आंसर आ रहा है देख सकते हैं आप, तो cos 0 का आंसर 1 है, into cos a sin, ये cos a sin 1 है, ये cos 0 1 है, ठीक, आई बात समझ में। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 सा 2 सर डैश ऑफ ए इक्वल टू 2 साइन ए इनटू कॉस ए, तो ये है गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव का आंसर, ठीक। अब आप समझते होंगे गिवन फंक्शन जो है वो वेरिएबल एक्स में है, यहां पर वेरिएबल जो है वो ए है, हैं तो कोई इशू नहीं है, एक्स वेरिएबल में हम लिख सकते हैं, जस्ट लिमिट की वजह से ये स्ट्रेस इतना आया है, आंसर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट की है किसकी, साइन स्क्वायर एक्स की, तो साइन स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव जो कैलकुलेट की है मींस डेरिवेटिव जो फाइंड की है क्या मिली है, तो साइन ए मींस एक्स लिखेंगे इनटू कॉस ए एक जगह पे एक्स लिखेंगे, जस्ट कोई चेंज नहीं करनी है, एक्स को ए की जगह पे रिप्लेस कर, सेम वही फाइनल लिखा, डेरिवेटिव जो है साइन स्क्वायर एक्स की हमारे पास एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जो मिली है 2 साइन ए कॉस ए इनटू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, आई बात समझ में, ठीक है। सेम वही स्टेप्स सेम वही मेथड हमने फॉलो की है, जस्ट इसमें फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के ये जो यूज हुए हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज ज़हन में रखेंगे आप, रखने पड़ेंगे, कैसे, बाय डूइंग प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ज़हन में आ जाएंगे, बाकी फॉर्मूला को रट्टा नहीं लगेगा, फॉर्मूला का रट्टा नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स अगर रट्टा मारेंगे लेट सपोज थोड़ी देर के बाद वैसे वही भूल जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपकी चीज जो वो स्टोर हो जाएगी माइंड में, एनी टाइम आप रिकॉल कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, सही है गाइस। सो उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही वीडियो है आपके सामने लेक्चर जो है अगेन अगेन उसी पॉइंट को आप समझें देखने की कोशिश करें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, अल्लाह हाफिज़।